एक काम कर, यहीं रख दे यार ये चप्पल, सामने मार्केट है ना, वहां से ले लेते तेरी नई चप्पल। सही कह रही है, वैसे भी टूटी चप्पल पहन के कहाँ कहाँ जाऊंगी। अरे दीदी, अगर आप ये चप्पल फेंक रहे हैं तो मुझे दे दीजिए। मुझे दे दीजिए मतलब? तू क्या करेगी इस टूटी चप्पल का? मैंने इनको सिलवा कर अपनी दादी को दे दूंगी। एक काम कर, दे देना इनको चप्पल, हम लोग तो जा ही रहे मार्केट, नहीं ले लेगी तू? वैसे भी टूटी हुई तो यही है। ठीक है ये ले, तू भी क्या याद करेगी कितनी महंगी चप्पल दे दी मैंने तुझे। धन्यवाद दीदी। बेटा चल चलते हैं। ओए सुनीता देख, वो तो तेरी चप्पल है ना? हाँ यार, ये तो वही चप्पल है जो मैंने उस आंटी को दी थी जो झाड़ू लगा रही थी वहाँ पे। हाँ। चल एक काम कर, बात करते हैं इनसे। अरे मैम साहब आप, नमस्ते। हाँ नमस्ते, एक बात बता, मैंने तुझे उस दिन चप्पल दी थी अपनी, क्या किया तूने उसका? उनको मैंने सिलवा कर अपनी दादी को दे दिया, और वो देखो उन्होंने पहन भी रखी है। आज ना मैं हॉस्पिटल जाना है अपनी मम्मी से मिलने, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा तो अब तुम जैसे अनपढ़ गवार लोग हमारी बराबरी करोगे? इन जैसी नीची जाति के लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, इन्हें उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। चल अब उतार मेरी चप्पल। मैम साहब आपने उस दिन तो मुझे ये चप्पल दी थी, तो आज आप पैसे ले रही हैं, पर हमारा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है और मेरी दादी ऐसे हॉस्पिटल नहीं जा सकती नंगे पैर। प्लीज मैम साहब आप ऐसा मत कीजिए ना। हाँ तो मैं क्या करूँ, तेरी दादी को हॉस्पिटल जाना है तो? एक मिनट, तूने क्या सोच रखा है, तेरी दादी मेरी चप्पल पहनेंगी तो क्या हमारी बराबरी कर लेंगी? तुम जैसे लोग ना हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। चल अब बकवास मत कर मेरे सामने, उतार मेरी चप्पल। नहीं मैम साहब हम आपकी बराबरी नहीं कर रहे, प्लीज वो चप्पल रहने दीजिए ना, हमारा हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और मेरी दादी ऐसे नंगे पैर हॉस्पिटल नहीं जा सकती। समझ नहीं आया क्या बोला मैंने एक बार? मेरे सामने ना फालतू बकवास मत कर, लाओ मेरी चप्पल ले। वाह यार, चप्पल तो एकदम नई मिल गई तुझे, है ना? चल मैम साहब प्लीज। ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी क्या यार? मुझे बहुत प्यास लग रही है यार, मैं क्या करूं? और यहाँ कोई आसपास कोई दुकान भी नहीं है। हाँ यार प्यास तो मुझे भी बहुत लग रही है, ऊपर से गर्मी इतनी है, मुझे चक्कर आने वाला है। बेटा ये पानी पिला दोगी तुम हमें? हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है, बहुत प्यास भी लग रही है और यहाँ कोई आसपास दुकानें भी नहीं है, हम पानी भी नहीं पी सकते। प्लीज बेटा हमें ये पानी पिला दो। हम तो नीची जाति के लोग हैं ना, तो हम आपको पानी कैसे पिला सकते हैं? अरे बेटा ऐसे मत बोलो, उस दिन तो वो सब हमने ऐसे ही कह दिया था, हमें बहुत प्यास लग रही है, प्लीज पानी दे दो। दे दो बेटा, दे दो। ले पहले तो पी ले। अब जान में जाना है यार। थैंक यू बेटा, आप लोगों ने हमें पानी पिलाया, उस दिन हम लोगों ने आपकी कितनी इंसल्ट करी, कितना मजाक बनाया, बेइज्जती करी, और आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं तो आप लोगों ने हमें ये पानी पिलाया। हम लोगों ने पता नहीं उस दिन आप लोगों की कितनी इंसल्ट करी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक टूटी चप्पल ही तो दी थी आप लोगों को, और लालच के मारे आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए वो चप्पल भी आप लोगों से वापस मांग ली। प्लीज आंटी जी अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, हम आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। और आपने हमें उस दिन कितना बुरा भला कहा था कि हम नीची जाति के लोग हैं और हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, और देखो आज हम आपके काम आए हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने हम दोनों के साथ किया वैसे और किसी के साथ भी मत करना, एक इंसान ही तो एक इंसान की मदद करता है। हाँ बेटा हम समझ गए हैं, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत गलती हो गई। आंटी जी आप भी माफ़ कर दीजिए, आज इस छोटी सी बच्ची ने हमें इंसानियत के सही मायने सिखा दिए। और बेटा मम्मा कैसी है आपकी? वो अब पहले से ठीक है। ठीक है बेटा अपनी मम्मा का ध्यान रखना,